सो दोस्तों सैमसंग का नया एक बजट रेंज का 5G स्मार्टफोन गिगबेंच के ऊपर में लिस्ट हो चुका है, मतलब कि आपको इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। सैमसंग गैलेक्सी M33 5G के नाम से आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाली है, जो कि आज की वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में इसकी स्पेसिफिकेशन, प्राइस और लॉन्च डेट सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M33 5G की सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो दोस्तों इसमें आपको 6.5 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है 90 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ, और कलर रिप्रोडक्शन आपको 16M की देखने को मिल जाएगी, मतलब कलर सेचुरेशन जो है आपको बहुत ही बेहतरीन इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है। 800 निट्स की आपको ब्राइटनेस लेवल देखने को मिल जाएगी, और 279 PPI की आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन इसमें देखने को मिलने वाली है जिस प्राइस रेंज पर ये आने वाली है। डिस्प्ले आपको एक नंबर क्वालिटी की देखने को मिल जाएगी सैमसंग गैलेक्सी M33 5G में। सो दोस्तों बात कर लेते हैं अब फोन की प्रोसेसर की, कि स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। तो दोस्तों डायरेक्टली बताया नहीं गया है कि कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलेगी। गिगबेंच के ऊपर जो लिस्ट हुई है तो सिंगल कोर की जो आपको पॉइंट देखने को मिल रही है वो 726 देखने को मिली है, और मल्टी कोर की जो आपको पॉइंट देखने को मिली है वो 1830 आपको देखने को मिली है। ये जो पॉइंट सिस्टम है जो है दोस्तों आपको एक्सिनोस 1200 की ये पॉइंट आपको देखने को मिल जाती है। तो इस स्मार्टफोन में आपको एक्सिनोस 1200 की प्रोसेसर देखने को मिल सकती है। नंबर ऑफ कोर आपको 8 देखने को मिल जाएगी, आर्किटेक्चर 64 बिट पे देखने को मिल जाएगी, और गेमिंग एक्सपीरियंस आपकी इस स्मार्टफोन के साथ अच्छी होने वाली है। अदर जितने भी बजट रेंज के स्मार्टफोन है उससे आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन में अच्छी देखने को मिल जाएगी। 6GB की रैम वेरियंट देखने को मिलेगी, और 128GB की स्टोरेज वेरियंट देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों जो रेंडर्स में सामने निकल करके आया है कि स्मार्टफोन जो है आपकी एंड्रॉइड वर्जन 12 पे वर्क करने वाली है, और UI आपको इसमें 4.0 की देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फोटोग्राफी के लिए। तो उससे पहले अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप की, तो आपको क्वाड कैमरा सेटअप इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है, जिसमें 64 MP की आपको प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाएगी, 8 MP की आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 MP की मैक्रो कैमरा, और 2 MP की आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगी। उसी जगह सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए आपको 13 MP की फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलने वाली है। बात कर लेते हैं बैटरी की, कि स्मार्टफोन की अगर परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिलती है तो आपको जो है बैटरी बैकअप भी अच्छी देखने को मिलनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसे चार्ज करने के लिए 22W की फास्ट चार्जिंग इन दी बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगी। सिर्फ 22W की ही चार्जिंग आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बजट रेंज की स्मार्टफोन है। फाइनली दोस्तों फोन लॉन्च कब होने वाली है और इसकी प्राइस रेंज क्या होने वाली है? तो जनवरी 2022 में आपको ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाली है इंडिया के अंदर, और इसकी जो प्राइस होने वाली है आपको 8GB रैम वेरिएंट की प्राइस आपको 22,000 rupees अप्रॉक्स देखने को मिल जाएगी, और 6GB रैम वेरिएंट की प्राइस आपको 20,000 के अप्रॉक्स देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।